हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं व्हिप क्रीम को व्हिप। एंड मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर एंड मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने पूछा था कि व्हिप क्रीम कैसे व्हिप की जाती है, मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाओ, तो आज मैं वही दिखाने वाली हूँ। सो एक्चुअली ये मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन मार्क की व्हिप क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छी है। समर सीज़न में इसकी जो मेल्टिंग प्रॉपर्टीज़ है बहुत ही कम है, मेल्ट कम होती है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू फॉर द समर सीज़न, और विंटर में भी आप ट्राई कर सकते हो। इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी है एंड एज वेल एज एफोर्डेबल भी है। मैं यूजुअली हमेशा रिच गोल्ड की क्रीम यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका टेक्सचर बहुत ही रिच है, बट कंपेरेटिव रिच से अगर आप गोल्डन मार्क करोगे तो समर सीज़न में वो थोड़ी सी मेल्ट ज़्यादा होती है और ये कम होती है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू। सो अगर आपको व्हिप क्रीम आज व्हिप करनी है तो आप कल रात को ही आपकी जो व्हिप क्रीम है फ्रीजर में से निकाल के नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए, और उसके बाद ये पूरी तरह से अगर मेल्ट होती है तभी आप व्हिप कीजिए। अदरवाइज थोड़े बहुत आइस क्रिस्टल रहेंगे व्हिप क्रीम में तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 250 ml ऑफ व्हिप क्रीम लूँगी। थोड़े बहुत आइस क्रिस्टल मेरे व्हिप क्रीम में भी है बट आपको दिखाई नहीं दे रहे, इसका फॉर्म वही होना चाहिए। सो या एक हैंड ब्लेंडर के हेल्प से हमें अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, बट स्टार्टिंग में हमारा जो हैंड ब्लेंडर है लो स्पीड पे रखना है कि इसमें जो कोई आइस क्रिस्टल हो तो वो थोड़ा सा पहले मेल्ट हो जाए, उसके बाद में हम व्हिप क्रीम व्हिप करेंगे। तो मैं इटालिया का हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और जो दूसरा है मेरा वंडर शेफ का है। सो मैं सजेस्ट करूँगी गाइस कि आप व्हिप क्रीम मिक्सर से ना व्हिप कीजिए क्योंकि इससे रिजल्ट आएगा ही नहीं आपको। तो स्टार्टिंग के 4-5 मिनट हमें हैंड ब्लेंडर जो है वो लो स्पीड पे रखना है, ये प्लीज़ ध्यान में रख लीजिए। सो व्हिप क्रीम को जब हम व्हिप करना स्टार्ट करते हैं सो 1 से 1.5 मिनट में ही हमारी व्हिप क्रीम को बबल आना स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स आपकी व्हिप क्रीम अभी रेडी हो चुकी है व्हिप होने के लिए। सो अगर आपकी व्हिप क्रीम थोड़ी सी कम होगी सो आप लो स्पीड पे कम टाइम पे रखिए, मतलब 2 से 3 मिनट तक। अगर ज़्यादा होगी आपकी व्हिप क्रीम सो आपको 5 मिनट तक तो लो स्पीड पे रखना ही चाहिए। हमारे 4 मिनट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं कि हमारी व्हिप क्रीम जो है थिक होना स्टार्ट हो गई है और हमने जितनी भी व्हिप क्रीम ली है उससे वो डबल अप होने वाली है। अभी हमारा स्पीड जो है हमें बढ़ाना है। स्टार्टिंग में आपने 1 पे रखा था तो अभी हमें 3 या 4 पे आप रख सकते हैं, उसमें बाद में 5 में भी रख सकते हैं। सो आपके हैंड ब्लेंडर में जैसा भी सेटिंग हो आप अकॉर्डिंगली वही कीजिए। सो हम हाई फ्लेम पे अभी व्हिप कर रहे हैं, 4 से 5 मिनट तक व्हिप करना है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आपकी व्हिप क्रीम का टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है, थोड़ी सी गाढ़ी होती जा रही है। सो यू विल डेफिनेटली कम टू नो, ऐसे पर्टिकुलर टाइम नहीं बोल सकते गाइस, आपके हैंड ब्लेंडर के भी ऊपर है आपका हैंड ब्लेंडर किस वैट का है। सो आप देख सकते हैं बहुत ठीक हो गई है बट इतनी भी नहीं हुई है कि हम इसे आइसिंग कर सके। सो आपका स्पैचुला जस्ट उठा के देख लीजिए, ये जो पिक है हमारा ये देखो ये नीचे गिर रहा है। सो दैट मीन्स अवर व्हिप क्रीम इज़ नॉट रेडी। सो आप एक काम कर सकते हैं इसे चेक करने के लिए, जस्ट आपका जो स्पैचुला है हैंड ब्लेंडर का उससे आप देखिए आपका जो पिक है अगर डाउन रहेगा सो दैट मीन्स योर व्हिप क्रीम इज़ नॉट रेडी, एंड आपका जो पिक है व्हिप क्रीम का वो अप रहेगा सो दैट मीन्स योर व्हिप क्रीम इज़ रेडी। सो हमारा डाउन है तो हमें और ब्लेंड करना पड़ेगा गाइस। सो ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ब्लेंडिंग इज़ द की। सो और 2-3 मिनट के लिए हमें ब्लेंड करना है। अभी हमारी व्हिप क्रीम पूरी तरीके से तैयार हो गई है। ये कैसे चेक करना है, आप जस्ट व्हिप क्रीम में आपका वो जो स्पैचुला है वो जस्ट उसमें डिप कीजिए, एंड ये जो क्रीम है आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। एंड अगर ये भी मेथड आपको नहीं इजी लग रही है तो आप डेफिनेटली आपका जो पॉट है ये देखो फिर भी ये गिर नहीं रही है,
उल्टा कीजिए, दैट मीन्स योर व्हिप क्रीम इज रेडी। व्हिप क्रीम को ओवर बीट भी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओवर बीट करेंगे तो आपको पाइपिंग भी अच्छे तरीके से नहीं आएगी, आपकी आइसिंग भी अच्छी नहीं होगी, उसमें डॉट डॉट बबल बबल्स लगेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। सो या अगर व्हिप क्रीम इज नाउ रेडी, आपको पता चल गया कि व्हिप क्रीम इस तरह से बेट की जाती है। सो दिस इज़ द फिनिश लुक ऑफ अवर व्हिप क्रीम गाइस। आप देख सकते हैं इसके जो पीक है वो स्ट्रेट है, नीचे डाउन नहीं है बिल्कुल भी, और इसमें मैंने ऐसे रखा हुआ है फिर भी वो नीचे फॉल आउट नहीं हो रही, दैट मीन्स अवर व्हिप क्रीम इज़ रेडी। सो यहाँ पे वीडियो हमारा ख़त्म होता है गाइस। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर आपको हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।